हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं? एक ऐसा प्रोसेस जिसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। मैंने एक साइक्लिक प्रोसेस अभी बोर्ड पे ड्रॉ किया हुआ है, ए एक्स बी वाई ए, यानी प्रोसेस जाते वक्त ए टू बी गई थ्रू एक्स और आते वक्त बी टू ए आई थ्रू वाई, यानी शुरुआत और आखिरी पॉइंट स्टेट, आखिरी स्टेट और इनिशियल स्टेट ये कैसे सेम। सो दिस प्रोसेस इज साइक्लिक प्रोसेस। नाउ वी नो दैट दिस प्रोसेस वॉल साइक्लिक प्रोसेस इज मेड अप ऑफ टू प्रोसेसेस। ओके, दोस टू प्रोसेसेस आर ए एक्स बी एंड बी वाई ए, ऐसे दो प्रोसेस से बने। सो वर्क डन ड्यूरिंग ए एक्स बी इज पॉजिटिव बिकॉज ए एक्स बी में वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ना मतलब एक्सपांशन प्रोसेस, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो प्लस एरिया अंडर दैट ग्राफ, यानी ये ग्राफ के नीचे का एरिया विच इज ए एक्स बी सी डी ए सी डी ए। नाउ वर्क डन ड्यूरिंग बी वाई ए इज नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इसलिए क्योंकि यहां वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब कॉम्प्रेशन का प्रोसेस, और कॉम्प्रेशन के प्रोसेस में वर्क डन नेगेटिव होता है। अगेन लास्ट लेक्चर में पढ़े हम लोगों ने, तो वो वर्क डन कितना रहेगा इस ग्राफ के नीचे का एरिया। सो दैट वुड बी बी वाई ए डी सी बी। सो टोटल वर्क डन वुड बी वर्क डन ड्यूरिंग ए एक्स बी प्रोसेस एंड वर्क डन ड्यूरिंग बी वाई ए प्रोसेस। अगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया इसमें से ये एरिया इसके नीचे का माइनस किया, तो हमको मिलेगा एरिया अंडर लूप ए एक्स बी वाई ए, यानी ये वाला एरिया मिलेगा हमको। सो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया अंडर द लूप ऑफ दैट ग्राफ, है ना, एरिया अंडर द लूप ऑफ दैट ग्राफ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है। अब स्वाभाविक सा बात है, अगर ये लूप स्क्वायर रहेगा तो दैट वुड बी एल स्क्वायर साइड स्क्वायर, अगर रेक्टेंगल रहेगा तो लेंथ इनटू ब्रेड, सर्कल रहेगा तो पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर बाय फोर, ये दो एरिया आ सकते हैं, है ना। अब इसमें दो बातें होती है, दो बातें कौन सी होती है कि प्रोसेस अगर क्लॉकवाइज है या फिर प्रोसेस अगर एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज, साइक्लिक प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज, कैसे समझना है। ये प्रोसेस में कहां से कहां जा रहे थे हम लोग, ए एक्स बी वाई ए, मतलब हम लोग इस तरीके से जा रहे। सो दिस प्रोसेस इज क्लॉकवाइज प्रोसेस। क्लॉकवाइज प्रोसेस में जो वर्क डन है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओके, अगर हम लोग उल्टा गए एंटी क्लॉकवाइज, यानी पहले हम लोग बी एक्स ए y b ऐसा गए हम लोग, तो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस। एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस में वर्क डन जो है नेगेटिव लिखना है, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव लिखना है, ये कन्वेंशन भी याद रखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ड्यूरिंग क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ड्यूरिंग एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव। सो दिस वॉज अबाउट वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस।